तो कल मैं हर रोज की तरह YouTube पे माइनक्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस देख रहा था एंड तभी मुझे ये वीडियो मिला। मैंने खुद ट्राई करने का डिसीजन लिया एंड इसके ऊपर अपना रिएक्शन दूंगा। तो चलिए चलते हैं पहले फैक्ट की तरफ, जिसमें एलेक्स भाई ने बोला है कि सी लैंटर्न एक्चुअली में ग्लो करता है माइनक्राफ्ट में, ये तो ट्राई करना बनता है। अभी देखते हैं व्हाट ये एक्चुअली में वर्क कर रहा है। मतलब देखो सी लैंटर्न ग्लो कर रहा है। मैं इतने टाइम से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूं पर मैंने ये चीज कभी भी नोटिस नहीं की है। एंड जो वेदर का स्कल होता है वो दो बेडरॉक मिला के हम देख सकते हैं। ओके तो ये रहा वेदर का स्कल एंड हम बेडरॉक देखते हैं। ओ भाई मेरे को लिटरली उसका फेस दिख रहा है एंड देखा जाए तो दोनों का कलर भी सेम ही है। एंड हाँ अब मैं समझा विदर शायद बेडरॉक से ही बना है। तभी मैं सोचू कि विदर को मारने में इतनी ज्यादा मेहनत क्यों लगती है, मरने का नाम ही नहीं लेता है। और अगर हम कोल्ड्रन को ध्यान से देखें तो उसमें एक पिक्सल हिला हुआ है। तो ये रहा कोल्ड्रन एंड इसमें जूम करके देखते हैं। ओ भाई ये तो सच निकला। चाहे इसने इन्वेंट्री खोली, लेक्टन अपनी जगह से बाहर निकला हुआ है। वेट ये कैसे हो सकता है। तो हमने इन्वेंट्री खोली एंड सही में यार ये एक पिक्सल अपनी जगह से बाहर निकला हुआ है। यार ये सारे ने तो मेरा दिमाग घुमा दिया एंड शायद आपका भी घूम गया होगा। ये मैंने एक नई वीडियो बनाने की ट्राई की है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है कि नहीं। और एक बात, आप सभी की वजह से हमारे चैनल पे 200 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए, मैं सही में बहुत ज्यादा खुश हूँ। जितना हो सके शेयर करो यार, इट मीन्स अ लॉट टू मी। चलो आज के लिए बहुत ज्यादा बकवास हो गई, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।